पैसे महानुभाव रत्नवती देवियो लोकल उम्र में चरित्र वह तो हर समय व्यक्ति को धन्य बनाने वाला है, पर इस वर्ष को एक उस महान संत के जीवन से जोड़ा गया है जिनकी रचना आज की व्यक्त को समाज को धन्य बना रही, और वे हैं वो स्वामी तुलसीदास महाराज। 1554 में उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, इसलिए इस वर्ष जो है विक्रमीय संवत के अनुकूल पूरे वर्ष तक वंश सदी के उत्सव को मनाने की योजना है। तो आज और पिछले दिनों जो प्रसंग आपके सामने चलता रहा है वह गोस्वामी जी के जीवन के जो अनुभव थे, एक व्यक्ति कुछ पढ़ करके लिख देता है, सुन करके लिख देता है, पर वस्तुतः जिसने जीवन में अनुभव करके लिखा उसकी वाणी में जो प्रभाव हो सकता है वो केवल विद्वत्ता या केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से संभव है। गोस्वामी जी का जो जीवन है वो सचमुच विरोधाभास की पराकाष्ठा है। बाल्यावस्था में जिस बालक को अत्यंत अभागा माना जाता था, परदृष्ट से जिसको अपमानित किया जाता था, और वही बाद में उत्तरार्ध में अपने जीवन में महान सिद्ध संत के रूप में पूजित हुआ, लोगों ने सम्मान ही नहीं दिया। तो लोगों को ऐसा लगता था कि अगर गोस्वामी जी जैसे संत एक बार दृष्टि उठा करके देख ले या मुझे आशीर्वाद दे दें तो हमारे जीवन के संकट टल सकते हैं, हमारा दुर्भाग्य टल सकता है। यह जो विचित्र विरोधाभास है और उसके अंतराल में गोस्वामी जी की जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां उनके जीवन से जुड़ी थी। माता पिता की मृत्यु हो गई, पिता ने प्रारंभ में ही मृत्यु से पहले ही उनका त्याग कर दिया था, और वो सभी इस बात को भूल नहीं पाते कि माता पिता जब जारी तो विजुन मित्रों का सुभाल फलाए। ब्रह्मा ने भी मेरे मस्तक में भाग्य की रेखा नहीं उठी थी, मैं अपने पिताजी को दोष क्यों दूं, उनको यदि यह लगा कि यह अभागा है तो वो उनके दृष्टि में ठीक ही था। आप ये कहते हैं कि मेरी दशा जो थी माता पिता जब जाई तो विजयहून लिखो पशु भाल भलाई, और उसके पश्चात आप कहते हैं नीच निरादर आदर आदर का द्वारा टूक नहीं टूक ले जाएगी, जो टुकड़े टुकड़े के लिए लोगों के द्वार पर जाकर के अपमान सहता था, लेकिन राम स्वभाव सुनो तुलसी प्रभु से करूं बारिक भेंट कराई। किंतु जब मुझे अपने गुरुदेव के द्वारा प्रभु के स्वभाव का पता लगा और संसार के व्यक्ति को लोगों के द्वार पर जाकर के अपना पेट दिखाते ही है, मैं भी प्रभु के द्वार पर जाकर के जब खड़ा हो गया अपने पेट को, आप हमने यह बताया कि महाराज यह पेट ही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतने उदार है विश्वारथ को परमारथ को
हमारे जीवन के स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सिद्ध करके मुझे इस संदर्भ में कल जो प्रसंग चल रहा था वर्षा के कारण आपने से संभवतः थोड़े ही लोग उसे सुन पाए और अधिकांश लोग वंचित रहे, तो गोस्वामी जी के जीवन के जो एक आधार स्तंभ है जिनके द्वारा उनका जीवन परिवर्तित हुआ, जिसके द्वारा वो ऐसी दिव्य रचना के माध्यम बने जो रचना आज भी मनुष्य को प्रेरित करती है, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति, ये पदार्थ कौन है। और इस संदर्भ में सबसे पहले कल जिनकी व्याख्या की जा रही थी, जब गौतमी जी अनाथ बालक के रूप में चारों ओर भटक रहे थे तो संत नरहर दास जो महान श्री राम भक्त थे, बड़े विद्वान थे, उनकी दृष्टि इस बालक पर पड़ गई और इस बालक को वे अपने आश्रम में ले आए। आपने उस बालक को बड़े प्यार से पुचकारा, स्नेह दिया और कहा कि बस पुत्र को कोई अपने आप में अनाश्रयता का बोध नहीं होना चाहिए, परम तो परम आश्रय देने वाले हैं और तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगा कि तुम बस राम का नाम लिया। वो स्वामी जी इस बात को बार बार मेरे पत्रिका में, रामायण में, गीतावली में याद दिलाते हैं और यही कहते हैं कि भले ही बाद में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वेदों के भी अध्ययन का, आगम शास्त्र के अध्ययन का मुझे अवसर मिला, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरे लिए जो सबसे बड़ी वस्तु सिद्ध हुई वो राम का नाम। और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, दो वाक्य लिखे। क्या एक तो उन्होंने लिखा कि जैसे कई मार्ग हो और व्यक्ति जाना चाहता हो आगे की ओर और वो निर्णय न कर पावे कि मैं किधर से जाऊं, और हर मार्ग पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो कह रहा हो कि यही मार्ग सबसे ठीक है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि वस्तुतः इसमें कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित हो। तो गोस्वामी जी ने यही संकेत किया कि हमारे अभिचार, पुराण 18, स्मृतियां 18 और उपनिषद 10, ग्रंथों की और मतलब अपने तो केवल एक सीमित संख्या है, अतिरिक्त ग्रंथ विद्यमान और उन्हें पढ़ करके व्यक्ति कभी कभी भ्रमित हो जाता है कि हम किसे माने, क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो गोस्वामी जी किसी का खंडन नहीं करते। गोस्वामी जी के शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दो प्रकार के महापुरुष और संत हुए, एक वो व्यक्ति जिन्होंने निषेध का, खंडन का आश्रय किया और खंडन के द्वारा उन्होंने समाज को एक अपनी वाणी के द्वारा क्रोध करके, प्रहार करके और उनके उन्हें जो लगा कि यह तो सर्वथा अनुचित है उसका विरोध किया, खंडन किया। अग्रणी हमारे हैं महान संत कवि, महान संत, बहुत दिव्य तत्व दृष्टा, लेकिन वो खंडन का तो ऐसा आपके ग्रंथों में, उनकी वाणी में वो इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वाक्य लिखते हैं जिसको पढ़ करके व्यक्ति से मिला जाए। जितना उन्होंने समाज में देखा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसको उन्होंने संतोष के बिना क्या खंडन करके कह दिया कि तुम्हारी बातें सही नहीं। से कहते हैं जब वो कहते हैं तो प्रयत्नों से भी कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती कि उन्होंने कह दिया, या उनका तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की लेखी, तो
वो पंडित होकर के अपने ग्रंथों के स्मरण करके श्लोक सुनाते हो और मैं वह कहता हूँ जो मैंने देखा, तो उनको स्पष्ट रूप से दावा करते हुए सब खंडन और सारी रूढ़ियों का, सारी मान्यताओं का उन्होंने खंडन, उसका एक पक्ष है गोस्वामी जी की शैली। गोस्वामी जी खंडन की पद्धति को अपने जीवन में तो उसको स्वीकार नहीं करते और वो बड़े स्वाभाविक जो उनके जो आराध्य श्री राम है उनका चरित्र क्या है और उनके चरित्र का जो पक्ष है वो तो ठीक भिन्न है। अभी दूरदर्शन पर भोपाल ने थोड़ी रामायण की कथा के संदर्भ से मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया तो मुझसे निवेदन किया गया, मुझसे कहा गया कि राम की जो मर्यादा है उसके विषय में कुछ कहिए, तो मैंने प्रारंभ में स्पष्ट कह दिया कि श्री राम के साथ यह शब्द जुड़ा हुआ है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के लिए कहा जाता है जो लीला पुरुषोत्तम है और श्री राम के लिए कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पर मर्यादा शब्द का जो भाव लोगों के मन में है और मस्तिष्क में है वह सत्य श्री राम के विषय में नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में कहते हैं कि जो समाज की मान्यताएं हैं, समाज को एक परंपराओं को स्वीकार करता है उसको श्री राम ने स्वीकार किया है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैंने उस समय कहा कि उस अर्थ में तो श्री राम ने समाज की किसी मर्यादा को स्वीकार ही नहीं, पर विलक्षणता यह है कि न स्वीकार करने पर भी वह मर्यादा पुरुषोत्तम मान के पूज्य बने, और उसका रहस्य यह था कि श्री राम मर्यादाओं का पालन नहीं करते, नई मर्यादाओं का निर्माण, पर नई मर्यादाओं के निर्माण करते समय वो पुरानी मर्यादाओं का खंडन कभी नहीं, वो उनके चरित्र का ऐसा अद्भुत पक्ष है। आप विचार करके देखिए जितनी सामाजिक धारणाएं थी श्री राम का चिंतन तो बिल्कुल अलग है और वो अपने चरित्र में जीवन में वही करते भी है, लेकिन करते हुए भी उनकी महिमा ही वो कभी भी खंडन या जैसे कहते हैं बलात् कोई वस्तु विचार लादने का प्रयास का श्री राम के चरित्र में श्री राम के जीवन में कही है। अब आप प्रारंभ से विचार करके प्राचीन काल में बहुत विवाह की परंपरा और वो सारे स्मृतियों में उसका समर्थन था, उसका अनुमोदन था और तो स्वयं भगवान श्री राम के पिता दशरथ जो है वो बहुविवाह के प्रमाण, वह बहुविवाह की मर्यादा समाज में प्रचलित थी और श्री राम ने तो बहुविवाह कौन कहे, वो तो एक विवाह को छोड़ करके उन्होंने दूसरा विवाह किया है। तो अब उसका अर्थ है कि ये कहीं उन्होंने नहीं कहा कि बहुविवाह वही मत करो, पहले चाहते तो कह सकते थे कि मुझे बनकर कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि पिताजी ने बहुत विवाह न किया होगा न होता प्रमाण हो सकता था, पर श्री राम यही उनके चरित्र का विलक्षण पक्ष है कि वे प्राचीन मर्यादाओं को संस्कार की दृष्टि से नहीं उसे खंडन नहीं करते, प्राचीन मर्यादा के जो आचार्य हैं जो महापुरुष हैं उनको नमन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उस सम्मान के बाद जो स्वयं उनकी अपनी मर्यादा है वो ऐसे रूप में सजीवन में प्रस्तुत करते हैं कि वो प्राचीन मर्यादा का पालक भी बड़े उदारता से बड़े स्नेह से उनके उस पक्ष को स्वीकार करते हैं। तो श्री राम के चरित्र में मर्यादा का ये जो पक्ष बड़ा दुखा है, अब वो आप सर्वत्र प्रारंभ से श्री राम के चरित्र पर दृष्टि दीजिए और इसीलिए श्री राम के अनगिनत गुणों में जो शील गुण है का वो सर्वाधिक उनके चरित्र में बार बार हो जाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत और श्री रामचरित मानस के
रसूलुल्लाह के विषय में जो ग्रंथ लिखा गया, बड़ा ग्रंथ लिखा गया, तो मेरे सामने ये था कि इसका क्या लफ्ज है। ये कहे कि ये श्रीमद् भागवत और रामायण की तुलना है तो शायद अच्छा नहीं लिखा है। तो उस समय यही मैंने सोचा कि श्री राम के लिए एक शब्द चुने और श्री कृष्ण के लिए एक शब्द चुने और वही ग्रंथ का नाम दे दिया। तो उस ग्रंथ का नामकरण करने में प्रभु की प्रेरणा यही हुई और वही शब्द उसमें लिखा गया। और वह शब्द था शील सिंधु राघो और माधुर्य मूर्ति माघो। श्री कृष्ण क्या है? परम मधुर, बड़े रस में है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, उन मधुराधिपति की सारी लीलाओं में, उनकी वंशी में मधुरता ही मधुरता भर गया। और श्री राम के चरित्र में सभी गुण विद्यमान है पर मुख्य गुण है शील। तो शील गुण की विशेषता ये है कि अन्य गुण अगर व्यक्ति के अपने विशेषता से जुड़े हुए हैं पर शीलवान किसे मानेगा? जिसको दूसरों की भावना, दूसरों के विचार, दूसरे आगे आचरण पर बहुत उदार दृष्टि से वो देखता हो और किसी को कष्ट न होने पाए, मेरे शब्द के द्वारा, क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा, जिसमें इस वृत्ति से यह आचरण जीवन में आता है उसी का नाम ऋषि। इसे श्री राम के लिए गोस्वामी जी ने बार बार एक बार दोहराई ये बात। कविताओं में भी वे कहते हैं तुलसीता प्रतिशील स्वभाव, कहते हैं हमारे श्री राम के शील और स्वभाव को जान करके सुन करके भी इसके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ तब वो व्यक्ति उसका तो जीवन ही है। तो श्री राम का तो शील पक्ष है, वो तो सर्वज्ञ आप ये देखेंगे और उसको गोस्वामी जी समानांतर रामायण में चलाते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। महाराज जगत ने प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे मेरी कन्या का वर्ण करेगा। अब उस मर्यादा के संदर्भ से विचार करके देखें तो श्री राम का और सीता जी का जो वर्षा प्रसंग है उस मर्यादा से थोड़ा हट करके तो नतीजा यह निश्चय है कि धनुष टूटने के बाद ही अधिकार प्राप्त होगा। तो धनुष यज्ञ के पहले ही गोस्वामी जी के पुष्पवाटिका प्रसंग का चित्र वर्णन करते हैं। तो उसमें उनकी विलक्षणता क्या है कि वहां पर मर्यादा से एक भिन्न रस सामने आता है, किंतु बस जो श्री राम के चरित्र की शैली है वही गोस्वामी जी की शैली है। गोस्वामी जी इस समाज में चाहते हैं कि मर्यादा हो, पर मर्यादा का अभिप्राय समाज को शुष्क बना देना या लोगों के जीवन को जेलखाना या कारागार बना देना तो नहीं। और इस तरह से अगर बलात् किसी पर कोई बात लाद दी जाए तो वो बाहर से लाती जा सकती है, भीतर से तो उसे करेगा। किसी बात को आप बड़े बुद्धिमत्ता से कहिए तो व्यक्ति बुद्धिमान लेगा, आप उसको बड़े नियम में रखिए तो शायद वो क्रिया में भी थोड़ा सावधान दिखाई देगा पर हृदय में वो उसके द्वंद बना है। और हृदय का ये द्वंद जो है वो कभी कभी और सब बातें खूब पढ़ता है। सारे पुराणों में जो चरित्र आते हैं उनके पढ़ने से इसको आप दे पाएंगे। इसे देखिए दूसरा संकेत अरे चरित्रों में है। अब महर्षि जन्मदग्नि अगर रेणुका अपनी पत्नी से इसलिए रुष्ट हो गए जो स्नान करने गई और स्नान करने गई तो वहां पर गंधर्व स्नान कर रहे थे, आपस में वो जल एक दूसरे के ऊपर उलझ रहे थे तो उनकी पत्नी और वो उस दृश्य को देखने लगे और थोड़े देर तक देखने लगे। जब वो जल लेकर के लौटी तो महर्षि जमदग्नि का क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि तुम्हें तो रेणुका स्वभाव से ही
धर्म है और उन्होंने ये कहा अत्यंत क्रोध है और उनको लगा कि यह तो मर्यादा के विरुद्ध आचरण है कि हमारी पत्नी इस तरह से पुरुषों की क्रीड़ा को देखे तो किस सीमा तक मर्यादा के वो पालक थे कि उन्होंने यह निर्णय किया कि पत्नी को दंड और दंड भी का सिर काट लेने का निर्णय आज्ञा दिया उन्होंने पुत्रों को इसका इसके चरित्र में मर्यादा के वृद्ध आचरण है इसका सिर काट कहा कि नहीं दादी ये तो क्या ऐसी बात है वो कोई दृश्य देख करके उनके मन में किसी वासना का कह सकते हैं वायु तो बड़ा निर्णय आपका आदेश और जब प्रत्येक पुत्र ने आदेश को स्वीकार कर दिया तो परशुराम जी महाराज उनके सबसे छोटे पुत्र है और उनको वो इतने कठोर आज्ञा और उनकी मर्यादाओं का इतना उनकी निर्णय जो थे उसके करो उन्होंने परशुराम जी से कहा कि तुम अपनी माता का भी सिर काट लो और अपने भाइयों का भी जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया पुत्र ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया पत्नी ने अगर एक क्षण के लिए भी सैंगारिक दृष्टि देख लिया तो वो बाकी प्रधान और मर्यादा के प्रतिकूल हो गए परशुराम जी महाराज जी बड़े चतुर निकले उन्होंने आदेश का पालन किया पुराने कहते हैं उन्होंने सिर काट दिया बड़ा निर्णय था कृत्य हुआ पिताजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है मर्यादा का पालन किया है तुम मुझसे पुरस्कार मांगो तो उन्होंने यही कहा कि मेरी माँ भी जीवित हो जाए ये जो मेरे भाई है वो भी जीवित हो जाए और किसी को याद न रहे कि मैंने मारा था परशुराम जी को आशीर्वाद मिला तो परशुराम जी महाराज ने मानो जिस तरह से ये माना कि पिता की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है जैसे तो जानते थे कि आज्ञा निर्दय है आज्ञा कठोर है पर उन्होंने एक मांग की तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस युग में जो मर्यादाओं का मापदंड था वो कितना कठोर था कितना निर्दय था दूसरा व्यक्ति रामायण में अहिल्या का है अहिल्या के अगर अपहरण कर दिया सती का इंद्र ने गौतम का वेश बना करके तो वो अनजाने में मूल है वो तो ज्ञात नहीं है पर उन्होंने पत्थरों का शाप दे दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक समाज की मर्यादा का अर्थ ये मान लिया जाए कि जरा भी मर्यादा को कोई उल्लंघन करे तो उससे काट देना चाहिए अत्यंत कठोर दंड देना चाहिए तो अगर ये मर्यादा है तो श्री राम में तो मर्यादा है श्री राम का तो चरित्र से बिल्कुल ही गए और इसलिए आप उनके चरित्र में वह जो पक्ष पावेंगे उसका रस ही उसमें रस है और हृदय में एक उन्मुक्तता की अनुभूति है उनका ये मर्यादा कारागार नहीं उनकी मर्यादा कारागार की मर्यादा बंदी की मर्यादा और धन की मर्यादा अरे आप घर में चुपनी से नहीं बंद करते हैं क्या दादा भी कराते हैं क्या लेकिन यह सब आपके विवेक पर कारागार में तो बंदी कुछ नहीं निर्णय कर सकता उसे बंद कर दिया गया उसे बंद रहना है जैसा आदेश मिले वैसा करना तो श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि उन्होंने समाज को मर्यादाओं को कारागार बनने ही नहीं और सारे क्षेत्रों के संदर्भ में ही बात पाई भगवान श्री राम का परशुराम जी से संवाद भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम मानो तो उसको एक नई दृष्टि देते और उस वाटिका में ही इसका अर्थ यह है कि श्रृंगार रस जीवन का एक विशेष रस है और वो रस तो है काव्य में ही नहीं व्यक्ति के जीवन में परिवार का आधार ही तो श्रृंगार और काम की भावना है वह गोस्वामी जी का सामंजस्य ये है कि वो ये नहीं चाहते गोस्वामी जी का तात्पर्य है पिताजी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि
कि जो धनुष तोड़ेगा उससे मेरी कन्या बाणी करेगी। तो क्या इसमें कुछ निश्चय की कमी नहीं है क्या? हमारे जो होंगे द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद ने ये घोषणा कर दिया, उन्होंने मत्स्य भेद के लिए आमंत्रण भेजा और ये कह दिया कि मत्स्य भेद में जो व्यक्ति नीचे दृष्टि रख करके केवल कड़ाह में उस मछली के चित्र को देख करके चलित मछली के नेत्र को बीन लेगा उसको मेरी उसका वर्ण मेरी कन्या है। और द्रुपद के दृष्टि में योग्यता का जो मापदंड है विरोध हो गया, अन्य तो कोई समर्थ नहीं हुआ पर कर्ण व्यक्ति योग्यता थी। और कर्ण जब आगे बढ़ा तो द्रौपदी तो स्वभाव के है उस किसी बात को स्वीकार नहीं कर, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। कर्ण के विषय में लोगों को ज्ञात नहीं था कि वस्तुतः वे किसके पुत्र हैं, एक साक्षी ने उनका पालन किया था इसलिए उसी रूप में देखे जाते थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि मैं दूत पुत्र से कभी नहीं करूं, इस बात को कभी नहीं भूल पाया। इसका अर्थ ये हुआ कि द्रुपद ने जो प्रतिज्ञा किया वह तो उनकी प्रतिज्ञा क्या स्वयंवर हुआ, ये तो पिताजी के संकल्प की पूर्ति हुई, उन्होंने योग्यता का मापदंड बना दिया। द्रौपदी ने विद्रोह कर दिया, अंत में अर्जुन उसमें सफल होते हैं, निवास करते हैं, पर द्रौपदी के द्वारा दिए गए अपमान को कर्ण कभी नहीं भूला। और जिस समय जुए में द्रौपदी हारी उस समय बड़े व्यंग कठोर शब्दों में कर्ण के मुख से जो वाक्य निकले वो कर्ण के चरित्र के अनुकूल तो नहीं है, पर उसको जो चोट पहुंचाई थी द्रौपदी ने वो उसका बताया। उसका अर्थ ये हुआ कि पिता के द्वारा कोई प्रतिज्ञा की गई तो ठीक है, पिता को कन्या का कल्याण ही चाहेगा और कन्या को योग्य बल मिले यही उसकी इच्छा होगी, लेकिन इतना होते हुए भी कभी कभी वो एकांगी होगा। अब गोस्वामी जी की जो विलक्षणता है वो थोड़ी स्वाभाविक, उनका अभिप्राय ये कहे कि सीता जी ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जय मार डाला तो श्री राम ने थोड़ा तो उनके गले में जय मार डाल, वहां तो रावण भी आया, बाणासुर भी आया, असुर भी आए थे, दैत्य भी आए थे, उनमें भी कोई तोड़ता तो उस नियम के अनुकूल उसके कंठ में भी तो जय मार डालना पड़ता, तभी मर्यादा का और प्रतिज्ञा की पूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः सीता जी और श्री राम तो साक्षात प्रकृति परमात्मा है, तो सीता जी तो साक्षात आदिशक्ति है, लेकिन गोस्वामी जी यह बताना चाहते और इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग का तात्पर्य यह है कि केवल पिताजी की प्रतिज्ञा ही सब कुछ नहीं, उसको बड़ा महत्व दिया। पिताजी ने तो पुष्पवाटिका में भी पिताजी के प्रतिज्ञा की याद किया और वो ये सोचती भी रही कि मैं पिताजी के प्रतिज्ञा के प्राणी हूँ। पर उसके पहले श्री सीता जी और श्री राम का जो परस्पर अनुराग है, तो इसका अभिप्राय है कि अनुराग और मर्यादा परस्पर विरोधी न रहकर और उसको मर्यादा के स्वर्ण मंजूषा में उन्होंने सजा करके रख लिया। भगवान राम और श्री सीता जी कोई वाटिका घूमने नहीं आए थे, ये दोनों ने एक दूसरे को देखा हो, आकृत हो गए हो। प्राचीन काल में गंधर्व विवाह होता था, वर कन्या जहाँ वर्ण कर लेते थे, इच्छा थे वो स्वामी जी को पद्धति को नहीं आने देते, कितना श्रृंगार का सरस वर्ण है, कितना श्री राम जिस तरह से गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाते हैं। जनक नंदनी सीता माँ की आज्ञा से पार्वती जी का पूजन करने के लिए जाती है और उसके पश्चात क्रमशः एक ऐसी स्थिति आती है कि जिस समय दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है, दोनों के हृदय में अनुराग कौन होता है। अब उस अनुराग के संदर्भ में गोस्वामी जी सावधानी क्या करते हैं कि दूसरा आलोचना करे कि मर्यादा के विरुद्ध है,
पर श्री राम ने जब अपने हृदय में राग का और श्रृंगार का अनुभव किया तो आपने क्या किया? ये स्वभाव ही वर्णन कर सीता जी के सौंदर्य का प्रभु ने हृदय में वर्णन किया और आपन दशा विचार जो परिवर्तन हुआ है उस पर विचार किया और फिर आपने अपने छोटे भाई से जितने श्री राम के चरित्र का क्या दिव्य पक्ष है कि अगर कोई प्रश्न है तो निर्णायक को जन्म नहीं इससे निर्णय किसको निर्णायक बनाया छोटे भाई छोटा भाई को मुझे बोले सूची बना लगा कि लक्ष्मण कैसा पवित्र मन वाला कोई है नहीं और उन्होंने अनुभव किया कि मेरे मन में भले ही कुछ प्रभाव श्रृंगार और राग का हो पर लक्ष्मण पूजो का क्यों बोले सूची मन सन वचन समय अनुहार जनक कलिया यह सोई धनुष जग के यही कारण हो लक्ष्मण यही महाराज सूरज की पुत्री सीता है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा और पूजन गौरी सखीले आई जो पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों के साथ आई हुई है तो गर्भ प्रकाश तेरे प्रभाव सारे सारी वाटिका को प्रकाशित कर रहे ये लक्ष्मण बहुत प्रकार है वो कुछ बोलते रहे और फिर स्पष्ट कह देते हैं जात मिलो अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा लक्ष्मण आज तक मेरे मन में एक क्षण के लिए भी कोई विपरीत भाव नहीं आया कभी मेरे हृदय में कभी क्रोध का उदय हुआ ही नहीं और मैंने यही अनुभव किया था कि मेरे वंश की मर्यादा है परंपरा है और मेरे जीवन में भी एक एक की मैं कभी तीन वस्तुएं दूसरों को नहीं है किसी की प्रशंसा करे तो मैं कितने दाता है भगवान राम ने अपनी प्रशंसा के लिए ये नहीं कहा मैं देने वालों मगर तीन वस्तुएं मैं नहीं देता मैंने नहीं दिया मेरे वंश के लिए यही परंपरा था के लवन को कभी पीठ नहीं दिया जाए मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई और नहीं पावन परतीय मन और आज तक किसी परस्त्री की ओर कभी मन और नेत्र नहीं गया और दूसरा मांगने वाले को एक वस्त्र मैं नहीं देता क्या मंगल और नारायण जिनके नाम मांगने वाले को जहां नहीं दिया गया कि नहीं नहीं देगा तो दे नरबल थोड़े देर भाई ऐसे व्यक्ति जिसमें ये तीन बातें उत्कृष्ट है लेकिन लक्ष्मण आज मैं अपने में बदलाव पा रहा हूं जनक रजनी की सुंदरता को देख करके मेरे हृदय में जो शोक का उदय हुआ है मैं समझ नहीं पाता हूं सही है कि नहीं सही मानो क्या मेरा कार्य मर्यादा के विरुद्ध तो नहीं है और तुम बता तुम निर्णय दे सकते हो तुम कर सकते हो कि नहीं तो आपका एक कार्य तो उचित नहीं पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है ऐसे तो को है मानो उनको लगा जब इस भूमिका में शायद मैं बन जाऊंगा तो दृष्टता की पराकाष्ठा होगी और वो दोनों के उस दिव्य रूप को जानकर आगे दिए लक्ष्मण जी को और महिमन थोड़ा दूसरा अर्थ भी ले रहे आपको चिंता हो गई कि परस्त्री की ओर मेरी दृष्टि नहीं गई और आज लीला में आप क्या कर रहे हैं जिनकी ओर दृष्टि जा रही है क्या वो परस्त्री है क्या वो जो अनादिकाल से आपकी प्रिया है अनादिकाल से आपकी संगिनी है उनको देखने के बाद भी आपको ये भय हो जा रहा कि कहीं मेरी दृष्टि में कमी तो नहीं आ गई पर बोले बिल्कुल नहीं चुप और ये लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषता ही है कि पूरे प्रसंग में एक शब्द भी नहीं श्री राम बोलते रहे श्री राम कहते रहे और जब वो बोले नहीं तो फिर हुआ राम जहां के कहा क्या गौतम जी ने कहा कर तो प्रसंग ही अंत सन मन से रूप लुभा समझ मर्यादा एक और जो बुद्धि को उत्प्रेरित करती है और दूसरी ओर गौतम जी के मुख सरोज मकरंद छवि तरक मधुप्रयोग जैसे भावना कमल का रस ले रहा हूं
उस प्रकार से प्रभु का जो मरम मन जो भ्रमण है वो जगत नंदनी सीता के सुंदर रस का पर उसको सावधानी है कि एक और वो मर्यादा बहिरंग रूप से तब नष्ट हो जाती जब सीता जी श्री राम से बातचीत करती श्री राम से सीता जी से बात एक दूसरे से प्रेम का निवेदन करते दोनों में परस्पर अनुराग भी पराकर पर मर्यादा के पक्ष था मानो हृदय प्रेम और दोहात्म मर्यादा दोनों का समझ में अगर बाहर मर्यादा टूट जाए तो वो एक समाज के लिए टूटा ही होता पर भीतर का हृदय तो भावराज्य है और इसीलिए वो स्वामी जी दोनों का वो समापन करते हैं सीता जी जा रहे भगवान राम ने देखा क्या किया प्रभु जब जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी तो आपने सोचा कि ये तो जनक नंदी जा रहे हैं तो चलो उनका एक चित्र तो बना करके रख लो उन्होंने एक चित्र बनाया वहां कोई कागज या कोई रंग या कोई ऊंची तो नहीं थी किस रंग से किस ऊंची से वो चित्र कहां बनाया गया तो स्वामी जी क्या भाव गुण सब देते हैं परम प्रेममय मृदु मत की ही प्रेम की चाहिए परम प्रेम में मृदु मत की नहीं चित्र कहां बनाया गया बोले चार चित्त एकी लिखी अपने हृदय की दीवार पर प्रभु ने जगत नंदनी सीता का चित्र जो है वो बना दिया और उसके पश्चात हृदय कराहत दुराई गुरु समीप दोने दो भाई हृदय से उसको अंदर की सराहना करते हुए गुरुदेव को कहा पर मर्यादा की पराकाष्ठा भी है क्या वहां जैसे जमदग्नि जी को पूछना पड़ा था देर तो हो गई गुरु जी ने नहीं पूछा बहुत देर से कैसे आए देर तो ही गई थी वो समझे राम कहा सब कौश के पाए वो जो हुआ था सब गुरु जी से बता दिया सुना उस बारे और आपने कहा कि राम फूल के बाद फल का लगना ही कितनी दाल करता है तो फूल तो तुम लेकर गया वो फल मैं दे देता हूँ क्या बोले सुफल मनोरथ मोहन तुम्हारे राम लखन सुन भय तुम्हारे मनो एक ऐसी पद्धति कि जिसमें मर्यादा होते हुए भी रस है आनंद है और जगत नंदनी सीता वहां से भी प्रार्थना करने के लिए पार्वती जी के मंदिर में जाती है उनसे निवेदन करती है कि आप तो सबके हृदय में निवास करते हैं आप मेरे हृदय की भावना को जानती हैं और मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इस तरह से मानव गोस्वामी जी की दृष्टि में यह सत्य है कि मर्यादा के अतिरेक का ग्रहणों में इतना दृष्टान्त है इतने शाप इतने दंड इतने प्रकार से वर्णन आता है कि लगता है कि व्यक्ति जरा भी किसी कार्य में छूटा तो कठोर दंड दिया है ये उस क्रम का सर्वत्र जो है यही किया और इसीलिए परशुराम जी और भगवान राम के चरित्र का पक्ष क्या माना यह जाता था कि क्षत्रिय को चाहिए कि युद्ध के लिए कोई उसको ललकारे तो वो पीछे नहीं है वो युद्ध करे तो परशुराम जी ने वार्तालाप में श्री राम से कहा तुम क्षत्रिय हो और मैं जानते हो कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं तो तुमने एक ऐसा अपराध किया है कि हमने तुम मुतयुद कर करो परितोष मोर संग्रामा नहीं तो छाड़ पाओ ग्रामा दो राम नहीं रहते राम तो एक ही हो एक है परशुराम और एक है राम दोनों ही राम दोनों ही अवतार है दोनों ही ईश्वर के अंश लेकिन बस अंतर ये ही है भगवान राम जी तो ध्वज मान धारण करते हैं पर राम जी के हाथ में शस्त्र है तो क्या भगवान राम के हाथ में शस्त्र नहीं वो भरत धारण करते हैं ध्वज धारण करते हैं अगर उनका नाम भरत राम हुआ तो इनका नाम ध्वज राम होना चाहिए और कभी किसी ने उनको ध्वज राम कहे नहीं कहीं अंतर का अर्थ है कि भरत राम जी मानते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु का देख लो सावधान कर देते
बार बार कह देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, जब वो बातचीत भी कर रहे थे, लक्ष्मण जी की बात को सुन के लगा ये बच्चा लड़का होगा अमर्यादित है। कहने लगे कि बालक काल में समाज पर बातचीत के क्रम में जब देखा कि लक्ष्मण जी डर नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसने मेरे मुझे ही देखा है, मेरे पत्ते को नहीं देखा। वो समझे बहुत वैज्ञानिक है, सोचा कि ऐसे तो देखा गया नहीं, मैं इससे उठा के देखूंगा तो भी देख लेगा। वो समझे न तो बोले कि भाई परस की ओर बात कर रहे हैं सामने और परस की ओर दे रहे हैं। अरे तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है लक्ष्मण जी, स्वभाव नहीं पड़ा आगे चल करके और कड़वा उत्तर भी दे दिया, और नहीं दिया तो फिर ये बात कह दिया कि परस विलोक मजी कुमार, मेरे परस को देखो तब मुझसे बात करो। मानो उनकी ये धारणा से राम के पहले परस जुड़ गया, जिसका अर्थ है कि उसको यह विश्वास है कि समाज में मर्यादा के लिए जब तक कठोर से कठोर दंड नहीं दिया जाए, अपराध करने वाला ही नहीं, अपराध को सच्चा करने वाले का भी सर नहीं काटा जाएगा, तब तक समाज में न्याय नहीं हो। ये मजा है जिससे उनको परस श्री राम के साथ जो है परस तो जुड़ी है। हाँ, एक ही शब्द और जुड़ा, और वो भी पहले नहीं जुड़ा बात नहीं, लेकिन राम के से पहले परस और फिर राम, और ये राम उनके साथ दूसरा सपन गया कि रामचंद्र, रामचंद्र मुकुचंद्र शब्द, और मानो संकेत यही था राम है सूर्य वंश में, पर सूर्य के समान प्रकाश होते हुए भी चंद्रमा के समान जिसमें शीतलता है वही राम। राम का जो सत्य है वह अगर सूर्य के समान है तो राम का शील चंद्रमा के समान है, और यही सामंजस्य दोनों में एक है। और पूरे प्रसंग में श्री राम अगर उस मर्यादा को मानते होते तब तो शस्त्र उठा के लड़ी पड़े, ठीक है आप मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं तो नहीं पीछे हटूं, और मर्यादा का अर्थ यह है कि शस्त्र से ही नहीं लड़ जाते, सामने वाले की कठोरता को जीतने के लिए कठोर बनने की आवश्यकता नहीं, विनम्रता से भी तो कठोरता पर विजय पाई जा सकती, कौन भी नहीं हुआ। परशुराम जी किसी राम, परशुराम जी तो इतने प्रभावित हुए कि उनके मुंह से एक शब्द तो निकला कि धन्यवाद, क्या विनय शील करुणा गुण सागर जय जल रचना अजनागर, तुम विनय शील और करुणा के साक्षात रूप हो और वचन रचना में कितने कुशल हो, तुम्हारे वचनों में कितनी गहराई है वो तो बहुत सोचने पर पता चलता है कि तुम क्या कर गए। उन्होंने पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं डरते, तो परशुराम जी से तो सभी डरते थे, भगवान राम जी से पूछा कि तुम डरते हो कि नहीं डरते, तो प्रभु ने कहा महाराज वैसे तो मनुष्य की परंपरा है लेकिन दूर, और वैसे तो हमारे धर्म के अनुकूल भी यही है, क्या भगवान राम ने कहा कहो उसको आव न तुलही प्रसन्नति कालम कहीं न रण रूपन, रघुवंश को जन्म लेने वाला व्यक्ति काल से भी नहीं डरता, मैं आज से नहीं डरता लेकिन आपसे डरता हूं, लेकिन क्यों डरते बड़े जतराई से हृदय से नहीं विप्रवंश की असफलता है, अब जो तुम्हें डरा रही मैं काल से निडर इसीलिए हूं कि आप जैसे महापुरुषों से डरता, मानो श्री राम की वचन रचना में जो विनम्रता है जो झील है अब तो बिना लेकर जीत गए। परशुराम जी जब अपना धनुष उन्हें सौंप करके चले जाते हैं तो मानो श्री राम ने एक नई मर्यादा, अगर कोई कहे कि शक्ति है तो आज शक्ति धर्म पालन तभी होगा जब किसी से लड़ भिड़े, आप शक्ति महोदय रास्ते में चलते फिर सोचे कि अगर किसी से लड़े नहीं तो हम शक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहे, और श्री राम मानते हैं कि नहीं लड़ना धर्म है, अगर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चुनौती हो तो
क्यों कोई पहले की लड़क हम लड़ने लगेंगे? श्री राम के चरित्र का यही जो लक्षण पक्ष है वो बदल गया, छत्र की परिभाषा बदल गई। परशुराम जी महाराज विनम्र भाव से धर्म सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि आप ब्राह्मण है, आपको तपस्या करना चाहिए, आपको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। बार बार बड़े मधुर शैली में कह देते हैं कि बच्चा तो आपके वेश को देख करके बंद पड़ गया। इस तरह से मानो श्री राम के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष ये है कि वो समाज को कानून के द्वारा नहीं, दंड के द्वारा नहीं, किसी बाध्यता के द्वारा नहीं, सर्वत्र जो भिन्न है उसे परशुराम जी महाराज को हरा के अपनी बात नहीं रखना, परशुराम जी इसका आशीर्वाद पा रहा है। परशुराम जी को लगे यहाँ यह उपयुक्त व्यक्ति है, यही श्री राम के चरित्र का पक्ष सर्वत्र आपको दृष्टिगोचर होगा। बड़े भाई को राज्य देने की परंपरा थी, हाँ बड़े भाई को राज्य देने की परंपरा और दयानी कितने काल से चल रही, किसी के मन में यह नहीं आया कि ठीक नहीं करते ही भारत कि हम तो बड़े भाई हैं तो राज्य सिंहासन पर बैठना तो धर्म और मर्यादा है। पर श्री राम और वशिष्ठ ने कहा कि राम तुम्हारे पिता तुम्हें राज पद पर अभिषिक्त करना चाहते। अब श्री राम की विशेषता है कि श्री राम मर्यादा का सम्मान कितना करते हैं, मानते हैं, बदलते हैं, सम्मान कितना करते हैं, एक बार नहीं। गुरु जी कहते रहे कि तुम्हें आज नियम से रहना है, कल तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। श्री राम अब उनकी लक्षणता उनकी शैली की जो है बोले जी तो चले गए, पर गुरु सिख देंगे राम हृदय अति विस्मय है। राम के आश्चर्य हुआ और वे आत्मचिंतन कर रहे, आत्ममंथन कर रहे और सोच रहे। गुरु जी ने ये कहा कि गुरु वरिष्ठ के लिए परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है, पर यह परंपरा तो बिल्कुल संचित है, अन्याय हुआ। पर गुरु जी से बात नहीं बोले, गुरु जी से उन्होंने कहा कि आप कहते हो ठीक है, यह नहीं उचित है। अकेले में प्रभु सोचते हैं कि क्या हुआ, ये परंपरा क्या है, ये क्या मर्यादा हुआ। जननी एक संग सब भाई भोजन शयन के चरित है, हम चारों भाई एक साथ उत्पन्न हुए, साथ में सोए, साथ में भोजन किया, साथ में खेले, साथ में विवाह भी हो गया, तो ये क्या हुआ कि सब कुछ साथ में हुआ, फिर विमल बन से यह अनुचित एक बंधु विहार पड़े। इस पूरे विश्व में अगर कोई अनुचित नियम है तो यह नियम है कि छोटे को छोड़ करके बड़े को रजा जाए। मानो श्री राम को रखते मर्यादा की हम लोगों को तो वह मर्यादा अच्छी लगती है तो हमें स्वार्थ सिद्ध करने वाली, और मर्यादाओं को माने चाहे न माने पर जिस मर्यादा से हमको लाभ होता हो मर्यादा हम मर्यादा के रूप में हम चाहते हैं कि दूसरे माने। जब मेरी बहुत थोड़ी अवस्था थी तो मैं वृद्ध सज्जन मुझसे कहने लगे कि कथा तो बड़ी अच्छी कहते हैं, चलिए मेरे घर में आप प्रश्न सुनाइए। गया मैंने पूछा किस प्रसंग को सुनना चाहते हैं, उनका बस वही दोहा सुना दीजिए कि अनुचित उचित विचार करी ये पालन कृत बैन ते आजन सुख जुयत के वसन अमर प्रोहैन। अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा मानता है वो स्वर्ग में जाता है, कीर्ति मिलती है। कैसा हुआ मैंने व्याख्या कर तो दी, पर निकलने पर रात से उनके लड़के ने को मैं वृद्ध से लड़के गई और लड़के भी बहुत बड़ी अलग है। उन्होंने कहा आपको पता है ये प्रसंग में इन्होंने क्यों कहलवाया, राम नाम की महिमा आपने नहीं कहलवाई, भक्ति की महिमा नहीं कहलवाई। तो भाई मैं तो नहीं जानता, कहने लगे कि हमारे माँ की मृत्यु तो कई वर्ष पहले हो गई और बहुओं से इनका होता रहता है झगड़ा, करना चाहते हैं विवाह
पर हम लोग विरोध करते हैं तो उन्होंने आपसे इसलिए करवाया है कि जिससे लड़के ये मान करके कि मर्यादा यही है ये उचित संस्कृत का विचार छोड़कर पिता की बात मान ले। मानो मर्यादा शब्द का उच्चारण ही हम लोग तब करते हैं जब हमारे स्वास्थ्य के पर जहां स्वास्थ्य है उसके बिल्कुल ढोगा और केवल वाणी से नहीं हमें तो बहुत से लोगों की बात कर देते जब सचमुच दूसरे दिन पता चला कि राज्य को भरत को दिया जाए तब परीक्षा हुई इतने प्रसन्न हो गए तब लगा कि श्याम कितने प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ गुरु जी की बात काटनी नहीं पड़ी खंडन करना नहीं पड़ा अपने आंखों में चाहता था होगा पूरी इसलिए इतने प्रसन्न हुए कैकेयी जी की बात सुन करके कि आपसे अमर मुस्काई भानुकुल भानु राम भज आनंद निधानु सुनी सुन जननी। अब अंतर यही है कैकेयी ने की भूमिका में यही शब्द है जब श्री राम आए और पिताजी को देखा कि वो बड़े मूर्छित दशा में पड़े हुए हैं तो आपने मां से पूछा कि पिताजी ने प्रणाम करने पर भी आशीर्वाद नहीं दिया नहीं बोले तो लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध का मुझसे बोल सभी पिताजी जो है मुझसे बोल की बात सुनिए एक ही जी ने कहा तुम अपराध योग नहीं खाता अरे राम तुम कभी अपराध कर सकते अब ये प्रशंसा आप सोचिए इसके पीछे कितनी बड़ी कूटनीति है तो अपराध योग नहीं खाता और बना सब जननी जनक बंधु सुख रख तुम तो माँ को पिता को भाइयों को सुख दे रहे भूमिका थी बन चले जाओगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा पिताजी का सच भी बचेगा और तुम्हारे छोटे भाई को भी सुख मिलेगा तुमको यही ये जो स्वार्थपूर्ण प्रशंसा है जिसके मूल में केवल अपने स्वार्थ का समर्थन करना है बोले और वो सभी जी ने कहा माँ की बातें ज्ञान को कैसी लगी लगा क्या कि अरे तो बड़ी चाणाकी से बोल रही वो स्वामी ने श्री राम ने उन बातों को सुन करके क्या आरोप राम ही मां वचन सब भाग जीव सुर सारी गत सरल स्वाद जैसे गंगा जल कोई भी जल आके गिर जाए वो तो गंगा गंगा जल बना देती है तो सोचते हैं मां कितना चक है मां कितनी उदार है मां कितने के बाद में मानो इस तरह से भगवान श्री राम जो है उन सारी मर्यादाओं को बदलते हैं पर बिना खंडन किए बिना विरोध किए बिना दूसरों को असन्मानित किए यही श्री राम की सबसे महान लीला है ये विजय और यही शील तत्व पूरे चरित्र में जुआ गोस्वामी जी ने तो गुरु जी से लड़ते में ही श्री राम कथा सुनी श्री राम के शील सुने थे राम के गुण सुने थे श्री राम का चरित्र सुना था और जब सुनने का फल तो यही है कि सुनने वाले के मन पर थोड़ी छाप थोड़ी झलक तो आ गई तो गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी और वो एक उनकी महान सफलता का रहस्य भी है कितनी सफलता का जो उनके जीवन में उनके चरित्र में जो महान सफलता है चाहे कोई समस्या हो श्री राम कभी भी आपको पक्ष मिलेगा नहीं निषाद को हृदय से लगाते समय उन्होंने कोई जाति परंपरा सिर्फ पर भाषण नहीं किया मैंने नहीं किया लेकिन स्वयं अपना ही उनका ऐसा दर्शन है चरित्र है कि श्री राम जिस तरह से समाज को परिवर्तित करते हैं बदलते हैं तो उनके शील की विजय है उनके उस अद्भुत गुण की विजय है जहाँ वे प्रत्येक को सम्मान देते हैं प्रत्येक को महत्व देते हैं प्रत्येक से कहते हैं कि नहीं नहीं आपको हमारे लिए आवश्यक है हम लोग किसी से नाराज होते हैं तो कहीं चले जाओ तुम्हारे बड़े काम नहीं चलेगा क्या पर श्री राम सबसे कहते हैं नहीं भाई तुम्हारे दिन हमारे काम कर सकते केवल कहता है बात करना है तो मेरी बातें मानिए और मानिए तभी मैं उतारूंगा श्री राम कह सकते हैं अरे तुम मुझे जानते नहीं हो मैं तीन पद में ब्रह्मांड को नापने वाला हूँ तो मुझे दिखा रहे हो तुम बाहर नहीं पाए पर श्री राम तो श्री राम
केवल ये कहता है केवल ने कहा कि आपने ब्रह्म में पढ़िएगा कि मैं जड़ धोने के लिए बोल दीजिए तो कोई भगत लोग होंगे आपके महाराज सरकार को मुझे अपने नाव किए आपके नाव में पर चरण में कोई दबा जो पत्थर को नारी बना देती अब मेरे नाव को भी कहीं आप नारी बना देंगे तो महाराज मैं तो गया एक नारी और बच्चों का ही बोझ नहीं उठा पा रहा घर नहीं घर को समझाई हो जू मानो कहने भी कर दिया कि महाराज आपने कहीं नाव को बत्री बना दिया और ले करके मैं घर में गया तो पत्नी को कैसे समझाऊंगा मानो कहने था कि आपके पिताजी अगर समझा पाते तो आपको करते ही उठाना पड़ता जब इतने बड़े राजा नहीं समझा पाए तो मैं कैसे समझाऊंगा तुलसी और लक्ष्मण आनु पशु लड़िका के भांति जाई हो जू बल मारी है तेरे बिना पग धोए तो नाव में ना चढ़ाई हो जू किसी नहीं लेता है नाव जो बहाने बना बहाने कुछ नहीं आधे अंगी या जड़ भी नहीं गुजारना पड़े आपको बाहर जाने के लिए उपाय में बता देता हूँ और उपाय ही नहीं बता देता हूँ मैं स्वयं भी साथ में चलता हूँ कविता रामायण में तुलसीदास लिखते हैं केवट में का एक घाट बड़ा जी तो घाट है यह घाट पर मैं जाऊँ चलाता हूँ अपनी इच्छा के अनुकूल ही सवारियों से उतराई लेता हूँ पर तो यह घाट से थोड़ी दूर पर नदी में ऐसी जगह है जहाँ पर पानी बहुत पड़ा केवल कमर का मैं चलू इन घाट से थोड़ी की दूरी है कटिलो जलधार दिखाइयो जू पर से पगल दूर तरी धरणी करनी घर को समझाइयो जू मैं केवट को डर नहीं लगा कहे कि अच्छा से दम करोगे चल जाए या श्रीराम प्रकट कर दे केवट ने जो दावा किया था कहे तुम्हारे मरम में जाना सबको जानता है जब उसने कहा कि घाट पर तो मेरी बात माननी पड़ेगी घाट छोड़ दीजिए तो उसे मर्म ज्ञात था कि जो घाट बनाने आया है आज जो घाट कभी नहीं छोड़ेगा उसका आचरण ही ऐसा ही हो ये नहीं कि मैं कहूं नहीं तुम कह रहे हो ऐसे तुम कहोगे मैं तुम्हारी बात मान तुम अगर कहते हो कि जल हुए से हुए बिना तुम मुझे नाव पर नहीं बैठाओगे तो मैं सब अनुरोध करता हूँ कि वेग आन जल पाए पखा दू और तो विलंब उतारे ही पानी इस तरह से समाज के न किसी को हीन सिद्ध करते न खंडन करते हैं न विरोध करते हैं अतु सबको आप ऐसी दिशा देना चाहते और यहाँ तक कि रावण से भी जब वो संधि का प्रस्ताव भेजते हैं तो रावण ने उसे अच्छे वीरता का चिन्ह नहीं माना रावण ने कहा संधि की चिंता तो दुर्बल चलता है सबल नहीं करता और अगर तुम्हारा स्वामी सचमुच इतना बलवान होता तो वशिष्ठ पटवती के ही राजा रिपुतन भी घर पर नहीं लाया शत्रु से प्रेम किया जाता शत्रु के पास संधि का प्रस्ताव भेजा है हमारा तो हम कुछ नहीं है डरपोक है इसीलिए ऐसा कर श्री राम के शील को श्री राम की महानता को उनकी कायरता के रूप में देखा राम तो श्री राम है युद्ध में भी रावण अगर जारी करने लगा तो भगवान के रूप से यही शब्द निकला जल जल बना कर सुयस नासम नीत सुलभ करम सुहा आप जो बोल रहे हैं उससे आपका स्मृत हो रहा है और आप शुरू करके मेरे द्वारा मैं नीच बात की तरह उसे तो सुनिए रावण ने कुछ नहीं केवल क्षमा शब्द समझ लिया अच्छा अब डर के मारे मुझसे क्षमा मत लो पहले नहीं सोचा राम वचन सुन जैसा मोहि सिखावत ज्ञान पैर गलत नहीं सब डरे अब लागत प्रिय समझ जब युद्ध करने आए थे तब नहीं है तुम नहीं तुमने विचार किया अब प्राण प्रिय है और परमाणु सक्रिय है कि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है कि आप बलात् किसी पर चाहे कानून के द्वारा चाहे दंड के द्वारा चाहे और किसी प्रकार से कोई बात ना और एक यह है कि जहां पर सहज रूप से हृदय से परिवर्तित करने की चेष्टा की और यही वीर का मुख्य गुण है और ये श्री राम के चरित्र में विद्यमान है वह स्वामी जी को जो सबसे
भक्त भा गई श्री राम की कथा सुनते सुनते गुरु जी ने सुनाना प्रारंभ किया। स्वयं गोस्वामी जी कहते मैं छोटा था, गुरु जी सुनाते थे तो पूरा से समझ नहीं पाते, पर मेरे गुरु जी इतने दयालु थे कि तरह पिछड़ी गुरु बार ही बार गुरु जी फिर सुनो फिर सुनो फिर सुनो और समझ पड़ी कछु मत अनुसार थोड़ी बुद्धि से जितना मैं समझ सका। तो वो जो श्री राम गोस्वामी जी के है उनकी चिंतन का पक्षी है तो उन्होंने स्थापित किया उसका मुख्य पक्ष ये है। सारे मतों का वो कहीं विरोध नहीं करती, उनका ठीक है भी, जो जिसके लिए किसी ने कोई बात की तो उन्होंने कभी नहीं कहा था श्री की प्रति की जाना था कि जिसको जानवर नहीं मिलता है किसी का जहां विश्वास होता है उसके लिए वही ठीक होगा। मानो गोस्वामी जी यह बात कहते हैं और कहने के साथ साथ अपनी बात भी धीरे से कह देते हैं कि वही ठीक और सब चीज कहने के बाद खंडन भी करते और खंडन इतना मधुर और लघु करते उनके ग्रंथ की विशेषता है कि वो जब भी कोई खंडन होगा तो गोस्वामी जी अपनी ओर से नहीं बोले, अगर कोई कठोर भाषा है तो शंकर जी बोल सकते हैं पर स्वयं तुलसीदास को बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के रूप में इसलिए याद नहीं। भगवान शंकर की श्रोता पार्वती कुसुम जी के श्रोता गरुड़ याजवल के श्रोता भरद्वाज तुलसीदास जी का श्रोता कौन था, उन्होंने जो श्रोता बनाया वो किसी को नहीं बनाया अपने मन को सब जगह नहीं बदला तो दूसरों को क्या सुनाओ, हम तो अपने ही मन को सुनाते रहते हैं कि भाई तुम सुनो तुम सुनो, बार बार जगाते हैं मन को स्मरण लेकर के लेकर श्री राम जा रहे हैं मन से कहते हैं देख लो लोनेश परमानंद बरस कलम सज्जन भगत नमन राम पर काल हाथ को दंड जिनके हाथ में काल का को दंड है तो उनका दंड कर सुनाई संतत सत मना अरे दुष्ट मन तो जितनी बड़ी विनम्रता वो श्रोताओं से कुछ नहीं कहते, श्रोताओं से कोई निवेदन नहीं करते, वो तो ये कहते हैं कि हाँ। और जब पूछा गया कि आपने शायद समाज का कल्याण करने के लिए गांव की भाषा में उसमें हिंदी शब्द तो प्रचलित नहीं था, रामायण में हिंदी शब्द ऐसे नहीं है लेकिन गोस्वामी जी प्रचलित भाषा में उन्होंने लिखा तो कह सकते थे कि नहीं लोग कल्याण के लिए, आजकल तो जितने लोग कार्य करते हैं सब लोग कल्याण के लिए करते हैं अपने लिए कोई कुछ करते ही नहीं, तो गोस्वामी जी कह सकते थे कि भाई समाज के लिए मैंने बोधगम्य बनाने के लिए समाज के प्रचार के लिए मैंने उसको भाषा बनाया ना, गोस्वामी जी कहते गुरु जी ने सुनाया समझ में नहीं आया तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने कहा इसको मैं भाषा में लिख डाल, अच्छा बहुत अच्छा किया समाज का कल्याण कर दिया, बोले भाई समाज की बात मैं नहीं करता मुझे भाषा बद्ध करा तो मैं कोई मोरे मन प्रबोध दी मैं मुझे समझ करके मेरे मन को प्रबोध मिल जाए मेरे मन को प्रबोध मिले इसीलिए मैंने बनाया। और रामायण ग्रंथ में भी क्या देते हैं वो कह देते फिर याद दिला देते इस रामायण में क्या क्या है बोले उन्होंने कहा सब कुछ है इसमें क्या नहीं है ज्ञान है मेरा क्या है भक्ति है। तो सब कुछ कहने के बाद महाराज आपने सवाल को कितनी बड़ी वस्तु दे दिया बोले कुछ नहीं दिया क्यों किया है बोले स्वयं का समझ हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको मिटा ले अपने हृदय को बदलने के लिए अपने हृदय को सुख देने के लिए मानो वह जो उनकी विनम्रता है वो कभी ये दावा नहीं करते कि कोई वस्तु मैंने लोक कल्याण के लिए समाज के कल्याण के लिए बस केवल बार बार ये कहते हैं दावा करने वाले भी हैं
मुझे दावा करते हैं जो मैं कह रहा हूँ यही है। दूसरी राजनीति से पूछा गया, आप बताइए आपके समझ से जीवन का बल क्या है, क्या लिखा उन्होंने, आप कविता भी रामायण पढ़ेंगे तो मिलेगा। वो कहते हैं कि राम रसोल विलोचन मीनन को जले, श्री राम की सुंदरता मानो अगाध जले, और हमारी आंखों को ऐसा लगता है उसमें मछली बन जाना चाहिए। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जले है कांता पुरस्कृत राम कथा, कान से राम की कथा और मुख राम का नाम, मुख में राम का नाम, कांडवी की कथा, मध्य रावण गति रावण रत्य रावण तो रावण को बल है। ये बात आप ज्यादा से कह सकते सब की न कहे तुलसी के मध्य इतनी जगह जीवन को खाए। मैं ऐसे तुम दावे से हाँ जो मुझे लग रहा है मुझे जो अनुभव रहा है मैं तो सोचता हूँ कि जीवन का फल ये है। इसीलिए जब रामायण की महिमा उन्होंने कही उन्होंने कहा विशाल भगवान शक्ति नहीं है और उनकी महिमा तो है ही, लेकिन पढ़ करके बड़ी समस्या ये लग रही थी कि ये मार्ग ठीक, ये मार्ग ठीक, ये मार्ग ज्ञान की धर्म की भक्ति के योग या कोई अन्य मार्ग। और तब मेरे गुरु जी बड़े उदास, जब मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, तो उन्होंने कहा बहुमत बहुपथ पंथ पुराण जहां घरों को मूर्ख हो राम भजन नीको, मुझे लगत राज करो बस राम नाम लिया कर, यही राजमार्ग है, इसमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का जुल्म नहीं है। और राम नाम को गोस्वामी जी ने ऐसा पकड़ा और वो राम नाम की महिमा का उन्होंने जो अनुभव किया और अनुभव का जो उन्होंने वर्णन किया है राम नाम की महिमा के प्रसंग को आप पढ़िए, उसमें आपको लगेगा कि राम नाम की महिमा का उन्होंने अनुभव करते हुए बार बार यही कहा प्रत्येक युग में भगवान का नाम कल्याणकारी है, लेकिन नाम राम को कल झुका जिसकी ओर देखें अपनी क्या दिखाते हैं फिर जो सुमेरा कब रहे भागते तुलसी तुलसी नाम, ये जो भांग के समान उनका संकेत किसी ओर था जिसकी चर्चा अभिप्राय है कि भांग जैसे नशा उत्पन्न करने वाली जैसे वो निषिद्ध उसी प्रकार का यह तुलसी दास कहलाने वाला व्यक्ति जो कुछ हुआ वो राम के नाम के प्रभाव। मैंने रामायण में कहा किन गिरती मन गिरती जब बन घास बन में हजार प्रकार की घास हो तो चिराग भी उसी प्रकार से घास को तो रोकते हुए चलते हैं, लोगों ने अपमान किया तो कोई अच्छे अपने घास है उसका कोई बचाता बचा के चले घास का तो फैल करके चलेगा, लोगों ने उन्हें घास की तरह अगर अपमान किया तो ठीक ही था, लेकिन आज बल्कि ही गिनती गिनती जैसे बड़े घास अरे राम भजत रहे तुलसी तुलसीदास, ये जो तुलसीदास तो राम नाम के प्रभाव से तुलसी भी घास ही वैसे देखे तो है पर उसके बिना भोग नहीं रखता। इस तरह से उत्तम गुरु ने अपने ग्रंथ के माध्यम से जो अंतःकरण के संतोष के लिए सुना जो अनुभव किया वही हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया, ऐसा दिव्य संतोष की प्रस्तुति इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज बोलिए श्री राम। Thank you.